अच्छा मेरा जिससे मेरी मर्जी, उसके बारे में मैं जरा बताना चाहूंगी कि मेरा जिससे मेरी मर्जी का जो नारा है उसको बड़ा मुतनाज़े करके पेश किया गया। हमारा जिस्म हमारी मर्जी। हराम की पिल्ली। जाब में लिपटी तवाइफ, जाब में लिपटी तवाइफ, जाब में लिपटी तवाइफ, जाब में लिपटी तवाइफ। फिटकार ऐसी औरत के मुंह। यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे औरतें बामुकाबला औरतें भी। मालिक आगे का क्या सोचा है? मेरा जिस्म मेरी मर्जी। बाप से आजादी चाहिए, इनको भाई से आजादी चाहिए, इनको शोहर से आजादी चाहिए, ये आजादी चाहिए। खाना गर्म करके शोहर को नहीं दूंगी, ये कर दूंगी, वो कर दूंगी। हम छीन के लेंगे, तुम्हें देनी पड़ेगी, मेरा बाप भी देगा। ये जस्टिफाइड नहीं है। तो बस इतना किरदार अदा करें कि किसी को आपसे तकलीफ ना हो। अगर आप किसी के लिए कुछ अच्छा नहीं कर सकते हैं तो किसी के लिए बुरा भी ना करें। आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। अगर हिंदुस्तान में किसी से पूछा जाए क्या चल रहा है तो वो एक ही जवाब देगा, फोक चल रहा है। और यही सवाल अगर पाकिस्तान में किसी से पूछा जाए क्या चल रहा है, मेरा जिस्म मेरी मर्जी और हिजाब वाली तवायफ। एक तरफ तो हिंदुस्तान की मुस्लिम औरतें क्लासरूम के अंदर तक हिजाब पहनने की इजाजत के लिए लड़ रही है, बाहर मार्च निकाले उन्होंने, लेकिन ये एक इस्लामी कंट्री पाकिस्तान, इस्लामी जमहूरियत रियासत मदीना, वहां की औरतें बुरके से हिजाब से अपनी आजादी के लिए लड़ रही है। ये फर्क होता है एक इस्लामिक कंट्री में, एक सेकुलर कंट्री। सेकुलर कंट्री में आपको जितनी आजादी मिलती है उतनी एक इस्लामी कंट्री में एक औरत को कभी नहीं मिलती, और खासतौर से उस कंट्री में जहाँ पे शरीयत लागू है। तो इस देश की मिट्टी को चूम चूम के सलाम करना चाहिए, यहाँ के लोगों को सलाम करना चाहिए जो इतनी रेस्पेक्ट देते हैं। सही बात है। मेरा जिस्म मेरी मर्जी के नारों से पाकिस्तान के कट्टरपंथी मुल्लाओं के, मीडियाओं के कान फटे जा रहे हैं। वो नहीं चाहते हैं कि इस्लामी कंट्री में इस टाइप का भी कुछ हो, औरतों को आजादी मिले। आप लोग इंजॉय करें, आपका भाई मिलेगा आपको आखिरी में। इसके ऊपर बात करने के लिए आज मेरे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं, इनके अल्फाज मरहम भी हैं, इनके अल्फाज ज़ख़म भी हैं। ये जब भी बोलती हैं तो जज्बात का एक तलातुम बरपा कर देती हैं। पाकिस्तान की बहुत मारूफ लेडी हैं, सिनफे आहन डॉक्टर फिज़ा अकबर साहिबा, वक्त देने का बहुत शुक्रिया। कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आपकी उर्दू से मैं बहुत मुतासर हूँ माशाल्लाह, और आपने इतनी मेरी तारीफ़ कर दी, शायद इतनी नहीं बनती थी। यानी मैं थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया, आप इस काबिल हैं। डॉक्टर साहिबा, औरत मार्च हमेशा मुतनाज़े बन जाता है, क्यों? अच्छा, औरत मार्च मुतनाज़े इसलिए बन जाता है कि एक तो हमने ये औरत मार्च जब भी होता है ये औरतों के हकूक़ के हवाले से होता है। जब भी ये दिन आता है औरतों के हकूक़, उनके राइट्स, औरतों को हक है अपने राइट्स के लिए लड़ने का। पहली बात है कि लड़ने की नौबत कब आती है? जब राइट्स नहीं मिल रहे होते। अगर आपको खाना मिल रहा है तो आप खाने के लिए बाहर सड़कों पर नहीं आएंगे कि मुझे रोटी दें। आप रोटी का मुतालबा तब करेंगे जब आपको रोटी नहीं दी जा रही होगी। अच्छा, मेरा जिससे मेरी मर्ज़ी, उसके बारे में मैं ज़रा बताना चाहूँगी कि मेरा जिससे मेरी मर्ज़ी का जो नारा है उसको बड़ा मुतनाज़े करके पेश किया गया। कुछ नारे ऐसे होते हैं जिनको ज़ू मायनी कह दिया जाता है, जिनके चार पाँच मतलब निकाल दिए जाते हैं। ये बेसिकली नारा यहाँ से आया था कि जी अगर एक खातून है वो हर साल एक बच्चा नहीं पैदा करना चाहती, या वो एबॉर्शन करवाना चाहती है, या वो नहीं चाहती कि वो हर साल बच्चे 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 पैदा करे, उसका जिस्म उसकी मर्जी। लेकिन इसको लोगों ने पता नहीं क्या क्या कनेक्ट कर दिया कि ये जिस्म है, ये पता नहीं क्या करना चाहती। असल तर्जुमा इसका ये चेंज कर दिया, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात, उसमें और भी बहुत सी चीज़ें आ जाती हैं, लोगों ने इसको खैर बहुत ज़्यादा गलत कर दिया। अच्छा, अब औरत मार्च में जो बातें हो रही होती हैं कि जी बैठ गई सही से, जब हमारे बड़े होंगे कोई जिस सुसर फिर रहे हैं घर में या बड़े जेठ हैं तो हम उनको देख के वैसे ही अपनी चादर थोड़ी ठीक कर लेंगे या अपने आप को थोड़ा बेहतर कर लेंगे। कभी कुछ जगहों का माहौल होता है कि वहाँ पर आप किसी तरह कंफर्टेबल हैं, लेकिन ये चीज़ें कि ऐसे भी ये शर्मो हया औरत का हुस्न है, औरत के माथे का झूमर। बहुत से लोगों को लगेगा कि फिज़ा आपने तो खुद बाल खोले हुए, अभी तो आपने दुपट्टा भी नहीं लिया हुआ, तो आप किस किस्म की बातें कर रही हैं? ठीक है, मैं इस किस्म की बातें कर रही हूँ, एटलीस्ट मुझे इतनी समझ है। मैं ये तो नहीं कह रही कि मुझे ये सब करना है और ये सब जो किया जा रहा है ये सही है, मेरा राइट है कि बाप के खिलाफ इनको आज़ादी चाहिए, बाप से आज़ादी चाहिए, इनको भाई से आज़ादी चाहिए, इनको शोहर से आज़ादी चाहिए। इनके बाप ही हैं ना, इनके भाई हैं जो इनको आला यूनिवर्सिटियों तक पढ़ाते हैं, ये जॉब्स पे जाती हैं, अपने कदमों पे खड़ी होती हैं, करियर बनाना है हमने, पाकिस्तान से बाहर जा रही हैं, शोहर की इजाज़त से जा रही हैं। शोहर कह रहा है, शोहर अगर कहे कि घर में बैठ के खाना ही बनाओगी नहीं करोगी तुम नौकरी, कैसे नौकरी करेंगी, कैसे बनाएंगी। अच्छा, औरत मार्च जो है ये क्या मर्द से नफरत का नाम है? ये क्या है, बेहूदा नारे, बेहूदा सकाफत, बट
मैं बताती हूँ, देखिए कुछ खवातीन हैं हमारे यहाँ जो वाकई पिस रही हैं, हमारे यहाँ बहुत सी खवातीन ऐसी हैं जिनके पास डिग्री है, मैं कुछ लोगों को जानती हूँ जिन्होंने MBBS किया, डॉक्टरी की तालीम हासिल की, लेकिन ससुराल वालों ने कहा जी हमारे हाँ तो डॉक्टर की प्रैक्टिस भी आप नहीं कर सकते, घर के ऊपर भी क्लिनिक नहीं खोल सकते कि एक पोर्शन में क्लिनिक खोल दीजिए, साढ़े घर की नोवा काम नहीं कर दिया, बस जी घर में आप मैनेज करें, शोहर कहते हैं मेरे पास इतनी तनख्वाह है तो मैं कितनी पॉकेट मनी चाहिए, ये उसके साथ ज्यादती है, उसने तालीम हासिल की, आप उसको एक अच्छे ठीक है तालीम हासिल की है आप उस तरह की जॉब नहीं अलाउ करते, आप उसको एज अ डॉक्टर लेडी डॉक्टर काम करने दें, नहीं वहाँ भी उनको रिस्ट्रिक्शन है, लेकिन ये जो बातें कर रही होती हैं कि मुझे ये आज़ादी चाहिए, खाना गर्म करके शोहर को नहीं दूंगी, ये कर दूंगी वो कर दूंगी, ये जस्टिफाइड नहीं है। पहली बात ये कहती है जी हम खाना गर्म करके नहीं देंगे, आप अपने बच्चे का पैम्पर चेंज करते हैं जब वो रात को रोता है, आप रात को उठ के बच्चे का फीडर बनाते हैं, ये मोहब्बत में किया जा रहा होता है, और आप हस्बैंड वाइफ एक दूसरे का मुकाबला क्यों करेंगे, ये तो बड़ा प्यारा रिश्ता है, इसमें मुकाबलेबाजी तो है ही नहीं, आप उसे के लिए मोहब्बत में करेंगे, वो धूप में बेचारा फिरता है, आपका शोर दिन रात मेहनत करता है, बहुत से आदमी ऐसे सुबह नौकरी करते हैं शाम को बिजनेस करते हैं कुछ ना कुछ करते हैं ताकि मैं अपनी बीवी के जो नाज नखरे ज़्यादा उठा सकूं, ना नुफके की जिम्मेदारी होती है बच्चों की तालीम के लिए कि बेहतर से बेहतर स्कूल में पढ़ाऊं, तो आप उस शोर को अगर आए को बेचारे को खाना गर्म करके दे देंगे इसमें आपका क्या जाता है मुझे बताएं। अगर आपकी यहाँ पर बात करूँ तो आपके यहाँ अगर देखा जाए तो होम मिनिस्टर आप हैं या भाई साहब? अच्छा हमारे यहाँ ना बड़ा आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा, बहुत से नाजरीन आप ब्रेकिंग न्यूज़ देना चाह रहे हैं उनको, हमारे यहाँ हम दोनों मिलके मैनेज करते हैं, तो वहाँ पे हमारे पास ना कोई हेल्पर्स नहीं थे, खाना वाना खुद बनाना पड़ता था, तो अक्सर मुझे भी खाना नहीं बनाना आता था क्योंकि मैं भी पढ़ाई करते करते फिर फील्ड में आ गई, फिर शादी हो गई, तो कभी मेरे हस्बैंड खाना बनाते थे कभी मैं बनाती थी, कभी हमें समझ नहीं आता था तो हम वेजिटेबल्स बॉयल करके खा लेते थे या सैलड बना लेते थे, तो ये चीज़ मैनेजमेंट है, ये इतना प्यारा रिश्ता है कि इसमें आपने आपस में मैनेज करके चलना है, और सबसे बड़ी बात ये जो कह रहे हैं मेरा जिससे मेरी मर्जी मुझे बच्चे नहीं चाहिए, मुझे बताएं ये आपने लोगों से डिस्कस करना है, सड़कों पे आकर आप रिपोर्टर्स को बताएंगे, कैमरामैन को बताएंगे, आप अपनी राय बैनर्स पे लिख के बताएंगे, आप अपने शोहर के साथ बैठ के बंद कमरे में डिस्कस करें कि भी मुझे इतने बच्चे चाहिए, मैंने दो से ज़्यादा बच्चे पैदा नहीं करने, ये तो आपस की बात है। जस्ट फॉर मोटिवेशन आपको लाखों करोड़ों लोग देखते हैं, लाखों आपके मद्दा हैं, आपकी घरदारी कैसी है, आपके आपके घर में लाइफस्टाइल क्या है भाई साहब के साथ? अच्छा मेरा लाइफस्टाइल बड़ा सिंपल सा है, मतलब यहाँ जितने लोग काम करते हैं आप अभी आएँ आपको ऐसा ऐसा अंदाज़ा हो जाएगा कि बस लाइफ एक बड़ी एक मेरे ख्याल से एक अमानत है अल्लाह ताला की, आए हैं अपना अपना किरदार अदा करेंगे और चले जाएंगे, तो बस इतना किरदार अदा करें कि किसी को आपसे तकलीफ़ ना हो, अगर आप किसी के लिए कुछ अच्छा नहीं कर सकते हैं तो किसी के लिए बुरा भी ना करें, अगर मैं खाना नहीं ज़्यादा अच्छा बना सकती या मैं घर के कामों में इतनी इन्वॉल्व नहीं रहती हूँ लेकिन एटलीस्ट मैं मैनेज करवा लेती हूँ, मैं मतलब जो हेल्पर्स हैं या मेड्स हैं उनको कहती हूँ कि ऐसे कर लें बेटा टेबल लगा दें, ये कर दें, भाई को ये पसंद है ये बना दें, जूस बना दें, सैलड काट दें, थोड़ा बहुत खुद भी कर लेते। भाई साहब के नखरे आप उठाती हैं, भाई साहब ज़्यादा नखरे आपके उठाते हैं? ये वैसे ये भी म्यूचुअली है ना कि कभी वो उठा लेते हैं कभी मैं उठा दी, गाड़ी के दो पहिए हैं तो आप ये समझ लें कि अगर एक टायर में हवा कम हो जाएगी तो वो आपको तंग करेगा ना, तो आप दूसरा टायर से मैनेज करने की कोशिश करेंगे, तो आपका ये मैनेजमेंट है कि कभी उनको गुस्सा है तो आप मीठे हो जाएं, आपको गुस्सा आता है वो थोड़ी ठंडी। मेरा जिस्म मेरी मर्जी लेकिन मेरा इंस्टाग्राम फॉलो करना आपकी मर्जी, अब वो मेरी मर्जी फेंक के मारो कि तेरी मर्जी फेंक के मारो, उसको फॉलो कर लो भैया इंस्टाग्राम, 1000 सब्सक्राइबर नहीं है। आप लोग अपना ख्याल रखिए, आपका भाई पाक मीडिया से रिलेटेड वीडियो लाता रहता है। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।